विदर्भ के कलाकारों की कला को दर्शाती द विदर्भ में निर्मित फिल्म आम ही बटरफ्लाई, राज क्रिएशंस मीडिया राजेश रंगारी द्वारा निर्मित फिल्म का पोस्टर, ट्रेलर और गीतों का रिलीज विधायक चंद्रशेखर बावनकुले, विधायक टेकचंद सावरकर व अन्य अतिथियों के हाथों संपन्न हुआ। 3, 2, 1 एंड गो। आम्ही बटरफ्लाई ऑगस्ट मध्ये येणार आहे तुमच्या भेटीला, तुमच्या जवळच्या चित्रपटगृहात। राज प्रोडक्शन और पद्मावती फिल्म द्वारा निर्मित आम्ही बटरफ्लाई विदर्भ की माटी में जो निर्माण की गई फिल्म है उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर हमारे साथ है राजेश जी रंगारी। हम उनसे जानेंगे कि विदर्भ जो है माना जाता है कि जो भी फिल्म बनती है या जो भी है वो मुंबई या पूना, यही एक अभी तक का जो है लोगों की मानसिकता रही है, लेकिन इन्होंने आम्ही बटरफ्लाई ये बिग बजट फिल्म बनाई है। उनसे जानेंगे कि किस तरह की इनकी जर्नी रही है, क्या बताओ। देखिए, अपने विदर्भ के लिए और नागपुर के लिए मराठी चित्रपट हो या हिंदी चित्रपट हो, फिल्म बनाना काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और बच्चे की मूवी है ये, चित्रपट की लाइन अपनी नहीं रहने के बावजूद जब मैं बाल सदन अनाथ आश्रम में गया तब मैंने ये देखा कि अभिनय करने वाले अपने आप ही इतने अच्छे कलाकार हैं। तब शॉर्ट फिल्म को लेकर मेंटेलिटी तैयार की, लेकिन शॉर्ट फिल्म होते होते कब बिग बजट फिल्म हो गई पता ही चला नहीं। लेकिन जब मैं जूरी मेंबर से सेंसा सर्टिफिकेट लेने गया तब जूरी मेंबर ने बताया कि ये मूवी एकदम ज़बरदस्त बनी है, आपने हर चीज़ का ख्याल रखा है, आपने 4K कैमरा हो, एडिटिंग हो, सारी चीज़ का, म्यूज़िक से लेकर सारी चीज़ का आपने बहुत अच्छी तरह ध्यान दिया है और ये मूवी निश्चित ही आपको यश दिलाएगी, ऐसा जूरी मेंबर ने मुझे बोला था। बिल्कुल, आप जो हो पॉलिटिकल से जुड़े हो, फिल्म के और कैसे पड़े? देखिए, पॉलिटिकली मुझे ये नहीं पता था कि मैं कोई भी लाइन में कब कैसा जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले तो मैं धार्मिक क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करता हूँ। धार्मिक क्षेत्र में काम करते करते ये सांस्कृतिक लाइन में जब मैं समाज बांधव से जुड़ा हूँ, जब मैं अनाथ आश्रम में गया और वहाँ के लड़कों का अभिनय देखा तभी मुझे लगा कि अपना पॉलिटिकल क्षेत्र से ज़्यादा जब ये अपने यहाँ मिट्टी में नागपुर में विदर्भ में इतने काम करने वाले अच्छे कलाकार हैं, चाहे फिर पॉलिटिकली रास्ता नाली या इलेक्ट्रिक का काम हो, उसके अलावा भी सामाजिक बांधिलकी रख के अपन काम कर सकते, तभी मुझे लगा कि ये बाल कलाकार के लिए अच्छा अभिनय करने वालों के लिए मूवी बनाना चाहिए, तभी मैंने इसमें हाथ डाला और ये मूवी आज मैंने कम्प्लीट की है। आने वाले 26 अगस्त को ये पूरे महाराष्ट्र में रिलीज होने वाली है। मैं आपके माध्यम से सारे श्रोता को विनंती करता हूँ कि ये बाल कलाकारों को जिन्होंने इतना अच्छा अभिनय किया, अपने नागपुर के कलाकार, विदर्भ के कलाकार जिनका अभिनय इतना अच्छा है, आप ये पिक्चर को जरूर देखें और सुपरहिट बनाइए। क्रिएशन के प्रमुख श्री राजेश रंगारी यांनी नागपूरच्या उपराजधानीमध्ये नागपूरच्या विदर्भातल्या कलाकारांना एक डायस दिलं आणि हे डायस अत्यंत लहान चिमुकल्या कलाकाराकरता उभं केलं आहे आणि या कलाकारांच्या माध्यमातून आम्ही बटरफ्लाई या मराठी सिनेमाचा निर्माण करण्याचा प्रयत्न राजेश रंगारी यांनी टीमने केलेला आहे। जेव्हा मी स्क्रिप्ट बघितली, सिनेमाचं पोस्टर बघितलं, गाणं बघितलं, तेव्हा हृदयाला स्पर्श करणारं एक 2 तासाचं चांगलं चित्रण या ठिकाणी तयार केलेलं आपल्याला त्या स्क्रिप्टवरून दिसत आहे। राजेश रंगारींनीही सांगितलं की जेव्हा या सिनेमाचं झुरी मेंबरनी प्रदर्शन पाहिलं तेव्हा त्यांनी त्यांना शाबासकी दिली। याचा अर्थ असा आहे की नागराज मंजुळेजी यांनी जो झुंड सिनेमा माननीय अमिताभ बच्चनजी यांच्या उपस्थितीमध्ये त्यांच्या कला ते कलाकार होते झुंड सिनेमाचे, त्यांना इथे आणून ज्या पद्धतीने उपराजधानीला बळ देण्याचा प्रयत्न केला
त्याच पद्धतीने राजेश रंगानेने सुद्धा काही पुण्यावरनं काही मुंबईवरनं आणि नागपुरातल्या कलाकारांना बळ देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मला वाटतं हा सिनेमा उत्कृष्ट असेल राहील आणि या सिनेमातनं पुन्हा पुढच्या काळामध्ये नागपूरची भूमी ही चित्रपटसृष्टीमध्ये आपलं वेगळं वलय तयार करेल आणि प्रचंड उंची यातनं नागपूरला मिळेल. आम्ही प्रयत्न करू शासनाच्या माध्यमातनं काय या सिनेमाला जास्तीत जास्त मदत मिळून देता येईल आणि पुढच्या काळामध्ये या नागपूरमध्ये फिल्म सिटी हे उभी राहिली पाहिजे, स्टुडिओ तयार झाले पाहिजे, जेणेकरून असे सिनेमे जे निघतात त्यांना कमी खर्चामध्ये कलाकारांना वाव मिळाला पाहिजे याची भूमिका आम्ही ठेवणार आहोत. आज राज क्रिएशन आणि पद्मा फिल्म यांचे जे डायरेक्टर आहेत माननीय राजेशजी रंगारी यांच्या माध्यमातून हा आम्ही बटरफ्लाय हा जो मराठी चित्रपट या ठिकाणी निर्मिती झालेली आहे आणि याचा ट्रेलर आज आपल्या सर्वांच्या समोर त्याचा उद्घाटनसुद्धा या ठिकाणी झालेलं आहे. ही गोष्ट खरी आहे की राजेश रंगारी या फील्डमध्ये नसतानासुद्धा त्यांच्या स्वतःच्या वाढदिवसाच्या माध्यमातून जे त्यांच्या डोक्यामध्ये कल्पना आली आणि मराठीमधील जो गरीब आणि श्रीमंतीतला जो काही फरक आहे त्या विद्यार्थ्यांमधला जो काही फरक आहे हा दाखवणे आणि तो दूर करणे अशा प्रकारची या चित्रपट निर्मितीमध्ये प्रामुख्यानं भूमिका आहे. मी एक गोष्ट करी आहे की विदर्भामध्ये नागपुरामध्ये जो चित्रपटाला जो कमी प्रमाणामध्ये जो वाव मिळतो त्या वाव पुन्हा वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून या चित्रपटाचा सहभाग खऱ्या अर्थानं राहील. मी आज या चित्रपटाचे निर्माते कलाकार या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. हा चित्रपट झुंडपेक्षाही मोठ्या प्रमाणामध्ये जनतेमध्ये लोकप्रिय व्हावा आणि राजेश रंगारी यांना पुन्हा अशा प्रकारचे अनेक चित्रपट निर्मिती करण्यासाठी चालना मिळावी ह्यासाठी मी आज खूप खूप सर्वांच्या माध्यमातून शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. विदर्भ में निर्मित आमी बटरफ्लाई फिल्म का आज ट्रेलर और गाने का लॉन्चिंग किया गया है. ये फिल्म जो है 26 अगस्त को जो है पूरे महाराष्ट्र में रिलीज़ होने जा रही है. हमारे साथ आमी बटरफ्लाई के मुख्य कलाकार हैं, उनसे हम जानेंगे कि कैसी इनकी जर्नी रही. हमारे साथ आमी बटरफ्लाई के कलाकार हैं, हम उनसे जानेंगे कैसी रही उनकी ये जर्नी. जर्नी बहुत ही टफ रही मैं तो कहूँगा, क्योंकि ये फिल्म लॉकडाउन के पहले चित्रित की गई थी और एक प्रोजेक्ट लॉकडाउन में तो हमने सब ही देखा है कि क्या क्या दुनिया यहाँ से वहाँ हो गई थी. तो उस बैकग्राउंड पे ये सिनेमा रिलीज़ हो रहा है. ये आई एम श्योर फॉर द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर इट मस्ट हैव बीन अ वेरी टफ जर्नी, बट येट आउट ऑफ दैट जर्नी दे हैव ओवरकम इट एंड उन्होंने ही इस फिल्म को रिलीज़ करने की ठानी है. तो ये इस फिल्म को और इस पूरे टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं. और ये बहुत ही उम्दा फिल्म बनी है और ये ज़रूर कामयाब होगी. बिल्कुल. अभी तक आपने जो है मतलब सीरियल्स हो मूवी हो मराठी बिग बजट की मूवीज़ में काम किया है. विदर्भ में ये बनी फिल्म जो है इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे और नागपुर वासियों को खास कर क्या संदेश देना चाहोगे. मैं खैर ऐसा प्रोफेशनल एक्टर हूँ तो मैं कभी बिग बजट और स्मॉल बजट ऐसे कुछ सोचता नहीं हूँ. और बट इट्स अ गुड फिल्म एंड टैलेंट विदर्भ में भी बहुत है ये हम सब जानते हैं. और कई विदर्भ के कलाकार चाहे वो चंद्रपुर से हो, वर्धा से हो, नागपुर से हो, अमरावती से हैं हो, वो मुंबई में एक कामयाब करियर बना चुके हैं. तो टैलेंट तो विदर्भ में बहुत है, बस आपको तो उस टैलेंट को पहचान के तराशने की ज़रूरत है और आगे लाने की ज़रूरत है. दैट्स इट. हमारे साथ फिल्म की जो है कलाकार है उनसे हम जानेंगे कि आप भी बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा. जी जैसे सर ने कहा
कि एक्सपीरियंस बहुत प्यारा था। एक तो ये फिल्म है रिश्तों के ऊपर और बहुत प्यारी स्टोरी है, और ये करने वाले, ये पूरे एक साथ जोड़ने वाले जो डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स हैं वो बहुत अच्छे इंसान हैं, और सारे अच्छे लोग एक साथ बहुत प्यार से एक फिल्म बना रहे थे, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस फिल्म का पार्ट हूँ। ऑफकोर्स जैसे गिरीश सर ने बोला कि चार साल ये हमारे कोरोना और काफ़ी चीज़ों में चले गए, और फिर उसके बाद भी ये फिल्म प्रोड्यूसर सर ने और डायरेक्टर्स ने रिलीज़ करने की सोची। उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत दम लगता है, और ये उन्होंने किया, इतनी मेहनत की, इसीलिए आज हम आपके सामने हैं, तो उनको बहुत थैंक यू। बिल्कुल, दर्शकों को क्या बताना चाहोगे? जैसे मैंने कहा कि बहुत प्यारी स्टोरी है, रिश्तों के बारे में स्टोरी है, तो ये फिल्म आप ज़रूर थिएटर में देखिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो हमारे साथ अमी बटरफ्लाई फिल्म के कलाकार थे। जिस तरह से हमने देखा, ट्रेलर देखा या जो सॉन्ग देखे, उसमें से हमें पता चल रहा है कि ये इमोशनल एक टच फिल्म है, और बिल्कुल ही विदर्भ की फिल्म है, तो विदर्भ के जनता ने ऑब्वियसली इसे भारी प्रतिसाद देना चाहिए, ऐसी अपील तो की ही गई है। BCN भी आपसे ऐसी अपील करता है। कैमरा पर्सन सुभाष भुटले के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।